दोस्तों, इसको देख के लगता है कि अब समझ में आता है कि लोग इतने दूर दूर से यहाँ क्यों आते हैं। है बहुत सुंदर ये जगह। लोग लेक कोमो हैं, यहाँ पर कई छोटे छोटे शहर हैं जो इनके लेक के साथ होते हैं, तो इनमें से एक शहर है ग्रेवडोना, तो उसमें हम लोग अभी आए हुए हैं। ग्रेवडोना दोस्तों, ये है सामने लेक कोमो। अभी शाम हुई है पर यहाँ पर अभी समर है, इसलिए काफ़ी लेट तक धूप रहती है। दोस्तों, ये पहला बीच है जो ग्रेवडोना में। अभी शाम का वक्त है पर धूप काफ़ी है, आप देख रहे हो। और हम यहाँ पर अभी आए हुए हैं और ये देखिए काफ़ी अभी यहाँ पर, ये लॉन्ग वीकेंड है तो लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम गोवा आ गए, या तो पंजिम या कलंगूट या बागा बीच। ये जो यहाँ का जो कुछ एटमॉस्फेयर और वाइब, कुछ बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है। गोवा मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है वर्ल्ड का, सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी जगह गया हूँ वो गोवा है। और यहाँ आके मुझे बिल्कुल ही गोवा की याद आ रही है। और ये सामने देखिए आप, जैसे लग रहा है जैसे कि पंजिम शहर में घूम रहे हैं अभी। दोस्तों, यहाँ शराब बहुत सस्ती मिलती है और ख़ासकर कुछ यहाँ की जो स्पेशल शराब है, जो मेरी फेवरेट है, वो है ये कंपारी। गॉट जिलाटो? ओह, शाम के अभी 8:30 बजे यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी लाइटेड है ऑलरेडी, काफ़ी यहाँ पर अभी उजाला है। सनसेट का टाइम है करीब 9 बजे, पर अभी हम जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में और हमारा इरादा यही है कि कुछ इटालियन खाया जाए, पिज़्ज़ा खाया जाए या लसानिया या पास्ता। अब देखते हैं कि क्या फैमिली ऑर्डर करेगी, पर खाएंगे तो इटालियन इटली में। यहाँ बोटिंग का बहुत रिवाज है, यहाँ पर बोट्स बहुत मिलती हैं रेंट में और लोग यहाँ पर बोट्स लेके फिर अपना ये लेक में पूरा दिन जाते हैं। वहाँ बीच में लेक में वो स्विम करते हैं, खाना भी होता है इनके साथ में, और पूरा दिन स्पेंड करके फिर शाम को वापस आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमारा ये पिज़्ज़ा का जगह आ गया है, तो हम लगता है कि यहीं जाके कुछ खाएंगे। तो हम जा रहे हैं अपने टेबल में और टेबल में बैठेंगे और फिर खाएंगे बिल्कुल लेक कोमो के साथ। Got your tiramisu? Italian tiramisu?
Let me see how it is. Oh, it looks pretty neat. Queens, do you mind if I... Alina, don't smell. No, I won't eat any. अब हम वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी। तो कई सारी जो हमने आज इटली की स्पेशल चीज़ें ट्राई की, तिरामिसू ट्राई किया, पिज़्ज़ा, फिर रिसोटो जो एक राइस डिश होता है, पास्ता, और ड्रिंक्स में मैंने कंपारी और प्रोजेको एपरो। मैं तो ये कहूँगा कि हर चीज़ बहुत ही सलीके से बनाई गई थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई गई और खाने में बड़ा मज़ा आया और पीने में भी। थैंक यू।